हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल रियल एंड फेक। दोस्तों, इस वीडियो का टॉपिक ब्लॉग के ऊपर है। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि ब्लॉग क्या होते हैं, क्या ब्लॉग से पैसे कमाए जा सकता है या नहीं भी। दोस्तों, ब्लॉगर कैसे बनाया जाता है, ब्लॉगर पर आर्टिकल कैसे पोस्ट होते हैं, सबके जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि ब्लॉग क्या होता है। दोस्तों, ब्लॉग होता है जब आप कोई ऑफलाइन काम करना चाहते हो इंटरनेट पर, तो दोस्तों आपको एक ब्लॉग है तो उस साइट की जरूरत पड़ती है जिस पर आप कहानी लिखते हो या तो आप शायरी लिखते हो, लोग उसको आप पढ़ते हैं, उसके एड्स लगा कर आप लोगों के पास पहुंचाते हो, वो सब कहानियां लिखते हो, आप शायरी लिखते हो, उसको लोग पढ़ते हैं, आप लोगों को ट्रैफिक मिलता है, उसके आप एड्स के पैसे मिलते हैं। ब्लॉग से बिल्कुल पैसे कमाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। और कितना कमा जाते हैं कोई लिमिट नहीं है, 3-4 लाख पर मंथ कमा सकते हो। आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ ब्लॉग क्या होता है। दोस्तों, तो आप सर्च करते हैं गूगल क्रोम में, तो जाकर दोस्तों हिंदी शायरी, तो दोस्तों हिंदी शायरी हमने सर्च किया तो देखिए आप लोगों के सामने बहुत सारे आ चुके हैं। तो मैं पहले ही को टच करता हूँ, पहले को टच करते हैं। दोस्तों, आप लोगों के सामने एक तरह से शो हो चुका है आपका, ऊपर आप देख सकते हो यह imhindi.com एक ब्लॉग का नाम है, एक तरह का एक ब्लॉग है जिस पर आर्टिकल्स शो हुए होंगे। ये सब सारे जो है उनसे आर्टिकल्स कहा जाता है दोस्तों, कंटेंट्स कहा जाता है इसे, जिससे आप ये सब देखे शोर हो रहा है। आप ये आर्टिकल्स आपको दिखाता हूँ ऊपर, ये आप देख सकते हो जो लिखा हुआ एक तरह का एड्स है जिसको आपको लगा कर आपको जितने एड्स पर टच होंगे सर इंस्टॉल करेंगे सब दोस्तों टच होंगे उसने ही ज़्यादा आपको पैसे मिलेंगे। ये कोई लिमिट नहीं है कितना कमा जा सकते हैं आपके स्किल्स के ऊपर, आपके ब्लॉग पर कितने ट्रैफिक है, कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग उसको टच कर रहे हैं, कितने लोग समय बिता रहे हैं, उसके हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हो ये सब आर्टिकल शायरी लिखा हुआ है दोस्तों, ये सब पोस्ट किए होते हैं। तो दोस्तों, ये कोई लिमिट नहीं है कि 3-4 लाख पर मंथ या 4-5 लाख मत पर मंथ कमा सकते हो एक ब्लॉग से, बिल्कुल सही बात है दोस्तों यार। तो आप देख सकते हो इधर ये शायरी भी है बहुत सारे और आर्टिकल हो रहा है जूस का। आप लोगों को दोस्तों मालूम पड़ गया होगा दोस्तों ब्लॉग क्या होते हैं और इस पर आर्टिकल्स क्या होते हैं और एड्स के बारे में भी पता चल गया होगा दोस्तों। अब आप लोगों को मैं बैक आ जाता हूँ, अब आप लोगों को मैं बताता हूँ कि ब्लॉगर कैसे बना जाता है। दोस्तों, सीधा आपको क्रोम ब्राउजर में सर्च करना है www.blogger.in पर आप जा सकते हो या तो blogger.newcrete पर आप सर्च कर सकते हो। तो पहले ही ऑप्शन को मैं सिलेक्ट करता हूँ, आप चाहो दूसरी सिलेक्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड देखिए, हम पहले को मैं सिलेक्ट किया हूँ तो मैं इसको टच करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये सब हमारे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं दोस्तों, मैं मोटिवेशन पर आर्टिकल्स लिखता हूँ दोस्तों। और दोस्तों, खुशी वाली खबर डॉट के नाम से ये हमारे ब्लॉगर का नाम है। और मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को कैसे न्यू ब्लॉग पर आप टच करते हो बनाया जाता है। तो आप न्यू ब्लॉग पर टच कीजिए, उस पर कोई भी आपका ब्लॉग का नाम रख लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे, जिस कैटेगरी को आपको बनाना है। तो दोस्तों, यहाँ आपको टाइट करना है दोस्तों, कोई भी आप नाम से रख सकते हो, मैं खुशियों वाली खबर टाइप करता हूँ। और इसको टाइप करने के बाद आपको नेक्स्ट करके सेव कर लेना है दोस्तों। तो यहाँ पर आप किसी भी साइट का URL डाल सकते हो आप। तो दोस्तों, 3 लाइन को टच करना है, आप लोग देख सकते हो खुशियों वाली खबर हमारा 2 ब्लॉग बन चुका। तो आपको न्यू ब्लॉग बनाने के लिए दोस्तों इस पर भी टच कर सकते हो आप, इसमें आप ब्लॉग का नाम डाल सकते हो, आप कोई भी आप नाम डाल सकते हो जो आपको कैटेगरी चुनना है, ब्लॉग या मूवी जानकारी या जो भी हो, आपको शायरी का लिखना है तो शायरी का ब्लॉग आप बना सकते हो।
तो फ्रेंड्स ऐसे आप नए ब्लॉग बना सकते हो, और मैं आपको बैक करके दिखाता हूँ। मैं आप देखें, आप हमारा दो हो चुका है, खुशियों वाली खबर एक खुशियों वाली खबर .com है दूसरा। तो पहले वाले को मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो पहले वाला जो पड़ा था मेरा खुशी वाले खबर .com है। उसके बाद मैं जो नया बनाया हूँ दोस्तों उसको मैं बताता हूँ आपको। ये सब हमारे आर्टिकल शो रहे हो रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं हम, पीछे जाते हैं और फिर से देखें हमारा वो पहला वाला जो अभी बनाया नया ब्लॉग बनाया उसको दोस्तों। तो देखें दोस्तों इसमें कोई भी आर्टिकल मैंने पोस्ट नहीं किया है, तो अभी खाली बता रहा है। तो इसको हम डिस्ट्रक्ट साइट पर करते हैं। अगर आपको आर्टिकल पोस्ट करना है तो डिस्ट्रक्ट साइट करना पड़ेगा, और उसके बाद आप देख सकते हो थ्री लाइन को टच करना है। तो थ्री लाइन को टच करने के बाद आप देख सकते हो नीचे थीम्स आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद न्यू पोस्ट आप देख सकते हो, न्यू पोस्ट पर आपको जाकर आर्टिकल्स लिखने हैं और आपको पब्लिश या तो सेव कर लेना है। आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो कब पब्लिश करना है कब सेव करना है। और नीचे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ थीम्स में। देखिए आप इस तरह के किसी भी कैटेगरी का आप थीम्स सेलेक्ट कर सकते हो, या तो आप लोड करके आप बनाया हुआ आपका थीम्स है जो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों ये सब आपको प्रोसेस में बता दिया है। ये सब सारे टूल्स आप देख सकते हो क्या क्या है उसमें, सेटिंग्स भी है सब कुछ है, आप जो भी चाहे अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों आप लोग को बता दिया गया है कि दोस्तों कि ब्लॉग क्या होता है दोस्तों, और ब्लॉगर कैसे बना जाता है दोस्तों, और ब्लॉग से पैसे कमाए जाते हैं कैसे, और ब्लॉग पर आर्टिकल्स कैसे पोस्ट किए जाते हैं, ये सब आपको पता चल गया है। तो दोस्तों आई होप कि यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर टच कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।